खबर शामिल करते हैं मेरठ से, जहां साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध लियाकत अली खान जतोई ने कहा कि सिंध बेरोजगारी, करप्शन, भूख बदहाली की भीड़ चढ़ चुकी है, मगर अफसोस पीपी के नुमाइंदे मुबारकबाद देने लगे हैं। पीपी वाले जल्द भागने वाले हैं, इनके पास सिर्फ पैसे हड़प करने का मंशूर है। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो के नारे लगाकर वोट लिए, मगर शहीद भुट्टो के कातिल गिरफ्तार न कर सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बालीशाह में पीपी को छोड़कर पीटीआई में शामिल होने वाले साबिक तहसील नाजम मेहड़ अब्दुल वहीद कलोड़ और मियाँ जोगोट में सुलंगी बरादरी की जानिब से मुनाकिद किए गए जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध के गाँव में पानी नहीं, उन्होंने एक चोरों को हटाकर दीगर चोरों को ले आए हैं, तमाम हद क्रॉस कर चुके हैं, जल्द इनका एहतसाब होगा। ये लोगों को खौफजदा कर रहे हैं, अगर हमारे लोगों को तंग करना बंद ना किया गया तो पूरा जिला दादू बंद कर देंगे। उन्होंने सिर्फ करप्शन बर्पा की है, इनके खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दादू से पीपी के मुंतखब नुमाइंदे ने गांव को हौलनाक तबाही में तब्दील कर दिया। रईस केनाल में पानी की किल्लत है, मगर यहाँ के नुमाइंदों ने कुछ भी नहीं किया और इनको सिर्फ पैसा कमाना है।